प्रधानमंत्री ने प्रदेश में करीब 5000 करोड़ से ज्यादा के स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल और सड़क से जुड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और शुभारंभ किया। जनसभा में मोदी ने ऐलान किया कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर अब सिर्फ 600 रुपए में मिलेगा। सूर्य नगरी जोधपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को देश में भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में टॉप पर पहुंचा दिया। यहां दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर वन बना दिया। साथ ही कांग्रेस ने नशे को कारोबार को खुली छूट दे दी। क्या प्रदेश को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? मोदी ने लाल डायरे का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि लाल डायरे में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के सभी राज छुपे हुए हैं और यदि सभी काले कारनामे खोलने हैं तो राजस्थान को भाजपा को जिताना होगा और जैसे ही भाजपा सत्ता में आएगी वैसे ही उचित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सजा भी दी जाएगी।